सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने आरहेनियस इक्वेशन देखा था। तो हमने आरहेनियस इक्वेशन में क्या देखा था बेटा, चलो करते हैं आज आरहेनियस इक्वेशन के बाद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आरहेनियस इक्वेशन जो हमारा डिराइव होके आया था वो था के इज इक्वल टू ए डॉट ई रेज टू माइनस ई ए बाय आर टी। तो याद होगा आपको ये वाला टर्म क्या रिप्रेजेंट करता था, ये वाला टर्म रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल विच क्रॉसेस द एनर्जी बैरियर, और ए पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता था, ए पार्ट रिप्रेजेंट करता था आरहेनियस फैक्टर रिप्रेजेंट करता था। आरहेनियस फैक्टर का मतलब ये होता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेड है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच आर प्रॉपर ओरिएंटेड एंड हैविंग द सफिशियंट एनर्जी विच क्रॉसेज द एनर्जी बैरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसका ओवरऑल आरहेनियस इक्वेशन का ये मतलब था। ठीक है, चलो हमने आरहेनियस के डिटेल में पढ़ लिया था, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, या तो ये फॉर्मेट है पूछा, या तो आपको ऐसे भी बोल सकता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ के, मतलब इनफाइनाइट टेम्परेचर पे के की वैल्यू क्या होगी। तो चलो प्यारे बच्चों देखते हैं, लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इनफाइनाइट के बराबर क्या होगा, लिमिट टेंस टू टी टेंस टू इनफाइनाइट ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है बेटा, तो e का पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी अब किसी का फ्रैक्शन का वैल्यू 1 आने का मतलब है, देखो अभी तक ये मतलब क्या रिप्रेजेंट करता था भाई, 100 में से मान लो एक तिहाई या 1/2 या 1/11 पार्ट ही मेरा क्या हो रहा है, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा है विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, हम ये मान के चलते कि मॉलिक्यूल जितने है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड है बट सफिशिएंट एनर्जी के साथ। लेकिन अब ऐसा होगा कि भाई इसकी वैल्यू 1 होने का मतलब सारे के सारे कोलिजन क्या हो गए, मेरे इफेक्टिव हो गए, मतलब हर के की वैल्यू 1 के बराबर हो रही है, मतलब सारे के सारे क्या हो चुके हैं, प्रॉपरली ओरिएंटेड हो चुके हैं, प्रॉपरली एनर्जी के साथ क्या करें टकरा रहे, इसका मतलब हर कोलिजन क्या हो चुका है इफेक्टिव, मींस क्या है, एवरी कोलिजन इज इफेक्टिव। इसका मतलब यह है कि रिएक्शन जो होगा वो तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। आप फिर से समझने की कोशिश करो, अगर कोई ये वाला पार्ट है फ्रैक्शन को डिपेंड कर रहा है, क्या फ्रैक्शन को 1/2 1/3 1/4 व्हाटएवर जो भी वैल्यू होगी 1/5 1/7 1/8 जो भी ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर, अब ये वैल्यू 1 हो चुकी है, मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, ET के बराबर एनर्जी है और विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इसका मतलब हर कोलिजन क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, वो कब होगा, इनफाइनाइट टेम्परेचर पर, और आपको पता है इनफाइनाइट टेम्परेचर तो अचीव करना ही नामुमकिन होता है, तो इसका ये मतलब होता है। आई बात समझ में, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, ए का और मतलब होता है, ए का मतलब होता है पी इंटू जेड ऑफ ए बी, P into Z of AB, where P is क्या हो जाएगा, P is the probability of proper orientation, probability of proper orientation and Z is the collision frequency, Z is the collision frequency, इसलिए A को collision factor भी बोला जाता है, याद है आपको कल मैंने कराया था collision फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसका मतलब यह है कि उस मैं ए को वो पार्ट मान रहा हूँ मॉलिक्यूल का विच इज हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन विद, आप ऐसा समझो इसको ओवरऑल मैं क्या लिखूंगा, पी इंटू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। मैं आरहेनियस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कहने का मतलब द मॉलिक्यूल हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलाइडिंग विद द प्रॉपर collision frequency and having the sufficient energy will be the responsible for the rate constant। आप आरहेनियस equation को ऐसे भी समझ सकते हैं। तो I hope so ये part आपको समझ में आएगा, हालांकि generally ये value हमें कभी दी नहीं जाती, हम direct A से ही चलते हैं, तो A से मेरा काम हो जाता है, नीट में हालांकि इतना कभी ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा बट फिर भी हमें पता आना चाहिए। इसका मतलब K और T के बीच में क्या relation होगा, K और T के बीच में कुछ ऐसा graph बनेगा। ठीक है, second thing क्या होती है, जैसे suppose करो K बराबर क्या होता है A dot माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, एलन दोनों तरफ ले रहा हूँ, टेकिंग एलन बोथ साइड, दोनों तरफ एलन लेने पर मुझे क्या मिलेगा, एलन के इज इक्वल टू एलन ए, ठीक है, एलन ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, तो एलन के बराबर क्या हो जाएगा, एलन ए
प्लस एलन ई ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी। तो ई और एलन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपका फॉर्मूला क्या में निकलेगा, एलन के प्लस इज इक्वल टू एलन ए माइनस ई ए बाय आर टी। तो दिस इज योर फॉर्मूला इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। इसी को मैं लॉग के कन्वर्ट कर दूँ तो लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए माइनस ई ए बाय 2.303 आर टी। तो ये आर एन एस इक्वेशन है लॉगरिथम फॉर्म में, ठीक है। तो इनके ग्राफ भी कभी कभी आपसे नीट वगैरह में पूछे जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलन के वर्सेस 1 बाई टी और लॉग के वर्सेस 1 बाई टी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा, कुछ ऐसा। इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप आप इस इक्वेशन देखो तो माइनस ई ए बाय आर, और इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। तो ये मेरे ग्राफिकल क्वेश्चन हो गए बेटा, आई होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग हम जो करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रहे हैं इस इक्वेशन पे। क्वेश्चन क्या है, फॉर अ रिएक्शन वेरिएशन ऑफ एलन के इज गिवन बाय, वेरिएशन ऑफ एलन के इज गिवन बाय, ठीक है, टेम्परेचर के साथ जो भी इसका वेरिएशन होगा, गिवन बाय इक्वेशन एलन के मिनट इनवर्स दिया, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा के का यूनिट, तो आपको उसी से पहचानना पड़ेगी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका क्या है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 - 20 बाई टी कैलरी, ठीक है, इस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंड क्या बोला, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के सॉरी ए आर एन एस फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट -223 डिग्री सेल्सियस। चौथा क्या है आपका, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन विल बी, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन विल बी 1.386 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन ए की बात करूँ तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए से मेरा क्या होगा, इस इक्वेशन से मैच करो तो ई ए बाय आर बराबर किसके होगा, माइनस ई ए बाई आर बराबर किसके होगा, -20 के दिस और दिस प्लस हो जाएगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 20 इंटू आर की वैल्यू आप कैलरी में कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो दिस विल बी 40 कैलरी। आप इसको इससे मैच करिए तो एलन, अब तो यहीं से मेरा क्वेश्चन भी आ जाएगा, एलन ए बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस दो इक्वेशन को मैच करिए तो देखिए एलन के फॉर्म में इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई का पावर 5, एक पावर 5 जो भी होगा प्लीज चेक इट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या बोला, एट व्हाट टाइम, एट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टी इक्वल टू इतना, मतलब -223 मतलब कितना हुआ, 50 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ एलन के बराबर कितना होगा, 5 - 20 / 50, मतलब ये कितना होगा, 0.4 मतलब 4.6, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेस टू पावर 4.6, ठीक है। तो तीन क्वेश्चन देख रहे हो, बहुत सारे आसान से क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, मतलब हाफ लाइफ रेट कांस्टेंट नहीं देखते, हाफ लाइफ दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, के बराबर क्या होगा, एलन टू बाय 1.386 और एलन टू की वैल्यू होती है 0.693, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना चला जाएगा, 1/2 टाइम्स चला जाएगा, कितने टाइम चला गया, 1/2 टाइम। तो यहाँ पे पुट कर दो, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 20 / t, तो ये एलन, ठीक है, ओके। हाँ तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो, एलन टू की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखिएगा, एनसीईआरटी का जो लास्ट पेज जो है ना उसी पर हम पढ़ रहे हैं, उसी को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में हालांकि उसने डिटेल में नहीं दिया हुआ है, वो उसी चीज़ को मैं एक एक चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विथ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे क्या करना है, अब मुझे के का वेरिएशन देखना है टेम्परेचर के साथ, तो मैं ये मान के हमेशा चलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी हो चाहे डेल्टा एच हो या ए की वैल्यू, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहेंगे, तभी तो आप वेरिएशन कर पाओगे के का टी के साथ, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ई ए कॉमा ए एंड डेल्टा एच आर अज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, आर अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अनलेस अदरवाइज मेंशन। जब तक कुछ ना दिया जाए तब तक हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। मेरा फॉर्मूला क्या है, ए के बराबर ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी। तो टेम्परेचर जब टी वन था तो रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, के वन, इसका मतलब क्या हो जाएगा के वन, तो के वन का इक्वेशन क्या बनेगा, के वन ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी वन, ये इक्वेशन वन बना। टेम्परेचर टी इक्वल टू टी टू था तो के बराबर क्या होगा के टू, और के टू बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी टू, ये क्या सब बनेगा सेकेंड इक्वेशन। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड को डिवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट से, तो के टू बाय के वन बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी टू डिवाइडेड बाय ए डॉट माइनस ई ए बाय आर टी वन, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ए कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस ई ए बाय आर टी वन आर टी टू प्लस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ई ए बाय आर टी वन, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एल एन के टू बाय के वन, अब इन दोनों में ई ए बाय आर क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ ई ए बाय आर कॉमन ले रहा हूँ, तो वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू। देखो सेम फॉर्मूला हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, इसी को लॉग के फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा लॉग के टू बाय के वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई ए बाय 2.303 आर 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू। अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो ई ए है दिस इज द ई ए ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज नथिंग बट ई ए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ए ऑफ बैकवर्ड। तो इस बात को ध्यान देना, ये सिर्फ फॉरवर्ड का नहीं और बैकवर्ड के, इट इज द एक्टिवेशन एंड चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दैट इज वाई ई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा एच भी लिख सकते थे, ठीक है। तो पूरे केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ एकमात्र ये फॉर्मूला, जब दो रेट कॉन्स्टेंट और दो टेम्परेचर का वेरिएशन दो तो आपको फॉर्मूला यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूँ अगर मैं यहीं पे, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर मैं चीज़ें समझूँ, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे सपोज करो ए टेंस टू बी है, तो यहाँ से के एफ हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा के बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एक्टिवेशन एनर्जी, समझो बात करो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड के लिए, तो क्या हो जाएगा के एफ बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट माइनस ई ए ऑफ फॉरवर्ड बाय आर टी, ये होगा फॉरवर्ड के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड की बात करूं मैं तो वो क्या होगा, ई ए बी से आप डिनोट करोगे तो के बी बराबर क्या हो जाएगा ए डॉट माइनस ई ए बाय ई ए बी बाय आर टी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बाय आर टी, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन वन और ये मान लो इक्वेशन टू, मैंने क्या किया इक्वेशन वन और इक्वेशन टू लिया, ठीक है बेटा। अब मुझे क्या पता है कि के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है के एफ बाय के बी, शायद मैंने आपको इक्विलिब्रियम में बताया था ये चीज़, है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ के एफ मेरा क्या है ए डॉट माइनस ई ए ऑफ फॉरवर्ड बाय आर टी डिवाइडेड बाय ए डॉट माइनस ई ए ऑफ बैकवर्ड बाय आर टी, ऐसा होगा मेरा, क्या सब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये ए एफ फॉरवर्ड बैकवर्ड ही मान लेता हूँ, ये भी मैं चलो ये भी फॉरवर्ड चेंज कर दो बेटर रहेगा, ए ऑफ फॉरवर्ड और ए ऑफ बैकवर्ड, आर एन एस फैक्टर फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन आर एन एस फैक्टर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या हो जाएगा ए इक्विलिब्रियम हो जाएगा मेरे पास, और ई का पावर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना माइनस वन बाय आर टी कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ई ए ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ए ऑफ
बैकवर्ड, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। और ई एफ फॉरवर्ड माइनस ई एफ बैकवर्ड मुझे क्या देता है? तो के इक्विलिब्रियम बराबर मुझे देगा ए इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है उसी का। तो के इक्विलिब्रियम को आप इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं से मेरा फॉर्मूला फिर से आ जाता है लॉग के इक्विलिब्रियम 1 बाय के इक्विलिब्रियम 2 हो जाएगा डेल्टा एच बाय 2.303 आर 1 बाय टी 1 माइनस 1 बाय टी 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा बनता है इसका। ठीक है, यही बात समझ में? ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको, क्योंकि हमारा तो भाई मेन क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट से आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 5 × 10⁻²। ठीक है, while at 127 degree celsius, at 127 degree celsius is 5 × 10⁴। ठीक है, calculate activation energy for reaction, calculate ea for reaction। इसी टाइप के बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। फॉर्मूला क्या है मेरा? log k2 by k1 is equal to ea by 2.303 आर 1 बाई टी 1 माइनस 1 बाई टी 2। तो K2 मेरा कितना दिया हुआ? 5 × log of 5 × 10⁴ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁴ इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303। आर के वैल्यू 2 पकड़ो, लेट इट बी कैलोरी में निकाल लेते हैं, 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 400। तो आप इस फॉर्मूले से प्लीज़ एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, मुझे बताइए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। बस आपको इसको सिंपल सा क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व ही करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 5% when temperature increases from 300 to 310 Kelvin। ठीक है, while equilibrium constant increases by 2% for same temperature change, calculate EA forward, EA backward and delta H of reaction। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अगर 300 से 310 आपने किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेट कांस्टेंट तो 5% से बढ़ता है, लेकिन उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2% से। तो कुछ नहीं, एक बार मैं फॉर्मूला ये वाला यूज़ करूँगा और एक बार मैं फॉर्मूला ये वाला यूज़ करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं पहले क्या करूँ, 10% वो पहले रेट कांस्टेंट वाला कर रहा हूँ। तो log k2 मतलब इनिशियल मैं मान लेता हूँ 100, तो बढ़ेगा कितना 5 से, तो 105 इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 × 2 1/300 − 310। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी निकालोगे। क्या निकालोगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आता सर, अब यहाँ पे क्या मान के चलेंगे? तो यहाँ पे इसको आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड मान के चलना पड़ेगा। क्या मान के चलोगे? फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ पे इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि वो क्या दिया, अगर उसने रिएक्शन का दिया हो तो यहाँ रिएक्शन का लेकर चलना, और अगर फॉरवर्ड मान के चल रहे हो तो फॉरवर्ड ही मान के चलना। इसमें आई बात समझ में? तो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 99.9% केसेस में आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ही मान के चलना पड़ेगा। माई मिस्टेक, थोड़ा सा गलती से हो गया था मेरे से, तो याद रखना दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
फॉरवर्ड, दिस इज नॉट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, दिस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. मतलब क्योंकि जनरली हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो हमारा क्योंकि ऑलमोस्ट केमिकल कैंडीज में रिवर्सिबल चेंज नहीं होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो भी होगा हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बात करनी है. तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी किसका होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा. ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे आप एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, आप मुझे इसका आंसर भेजोगे. ठीक है, मैं चेक करूँगा कौन बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं. और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूँ तो भैया इनिशियल क्या था, 100 था, तो 102 बढ़ गया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाय 2.303 आर, 1 बाय आर की वैल्यू क्या मान लो, 2 मान लो, 1/300 - 1/310. ठीक है, यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करो, डेल्टा एच कैलकुलेट, दोनों की वैल्यू आ जाए तो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, ई ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ऑफ बैकवर्ड. तो आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताओगे, यू कैन यूज द कैलकुलेटर, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, आई होप सो, थोड़ा मैथमेटिकली रिलेटेड है बट समझने की कोशिश करिएगा. अब आपका ऑलमोस्ट चैप्टर दी एंड पे आ चुका है, चैप्टर क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज करो एलन के है इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ये मेरा इक्वेशन है. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ मैंने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया. तो मैं ऐसा मान लेता हूँ डी बाय एलन ऑफ के बाय डी टी इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें क्या करूंगा, u u इंटू वी वाला फॉर्म लगेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है. और डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन e का पावर x क्या होता है, e का x होता है, डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है. तो ये जो हो जाएगा मेरा माइनस ई ए बाय आर टी स्क्वायर, क्योंकि डी इतना मैं मान के चलो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तो वन बाई टी का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे आप, क्योंकि ये तो एज इट इज रहेगा और वन बाई टी का पावर क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, टी का पावर माइनस टू तो इधर आ जाएगा, क्योंकि ई का पावर एक्स में डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, आपको शायद पता होगा, ये मैं इतना मान के चलता हूँ. ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो डी ऑफ एलन के, इसका मतलब यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा डी ऑफ एलन के बराबर क्या होगा, माइनस ई ए बाय आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, माइनस ई ए बाय आर टी स्क्वायर इंटू डी टी. आई बात समझ सबको, इज दैट क्लियर, आई होप. सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माई मिस्टेक, क्योंकि इसका भी तो माइनस उधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओवरऑल इस फॉर्मूले से आप क्या समझ रहे हो, इस फॉर्मूले से मैं ये समझ रहा हूँ कि डी ऑफ एलन के, जो एलन के जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगा. क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. और मुझे ये पता है कि के टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट क्या होता है, बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट उसका ज़्यादा बढ़ेगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा. इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट रिएक्शन हैविंग द हाई एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. आई बात समझ में, इसका मीनिंग ये है क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ेगा और के उसका ज़्यादा बढ़ेगा जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ नोट करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है,
reaction having higher value, so reaction having higher value, so reaction having higher value of activation energy, so reaction having higher value of activation energy are said to be more sensitive to temperature, मतलब कम टेम्परेचर, जैसे ही आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तुरंत उसका रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप बोल सकते हो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है, इसका मतलब यह होगा कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो थोड़े से टेम्परेचर बढ़ाने पे भी उसका रेट कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ सबको, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर का, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद फिर हम मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है भाई, कैटलिस्ट होता क्या है, तो कुछ बातें मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है मेरा, ठीक है भाई। कैटलिस्ट हम किसको बोलते हैं भाई, ऐसा सब्सटेंस जो मेरा रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, याद रखना, विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन वो क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ठीक है। कुछ बातें जो हमें जाननी है कैटलिस्ट के बारे में, वो क्या है कि मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी कभी भी टेम्परेचर के चेंज होने पे नहीं चेंज होती है, ठीक है। लेकिन अब ये बढ़ाता कैसे है, वो क्या करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देता है, एक्टिव क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे मान लो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक तरह से डिस्काउंट का काम करता है। जैसे सपोज करो अगर आपको एप्पल का टीवी लेना है तो इनिशियल प्राइस था उसका 1,00,000, डिस्काउंट आने पर सपोज करो उसका प्राइस हो गया 40-60,000, तो आपको पहले, आपके पास सपोज करो पहले 50,000 थे और आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, मतलब कितने पैसे चाहिए टीवी लेने के लिए, 50,000 रुपये, 1,00,000 का टीवी है, 50,000 आपके पास है, 50,000 और चाहिए। सपोज करो डिस्काउंट हो गया 50% डिस्काउंट या 40% डिस्काउंट, तो वो 1,00,000 का टीवी आपको कितने में मिल गया, 60,000 में, तो अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, सिर्फ 10,000, 50,000 आपके पास ऑलरेडी था। तो ये वही काम करता है कैटलिस्ट, क्या करता है, क्यों रेट को बढ़ाता है, ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक अल्टरनेट पाथ से होते हुए, मतलब एक दूसरा पाथ, देखो पहले तो इतना बड़ा पाथ से जा रहा था, याद है, अब ये इतने छोटे से पाथ में, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप ऐसा बोलते हैं कम एक्टिवेशन एनर्जी पे भी रिएक्शन क्या हो जाता है मेरा, हो जाता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, इस वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है मेरा, बढ़ जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। तीसरी बात क्या होती है, कभी भी कैटलिस्ट को हमें ज्यादा अमाउंट में लेने की जरूरत नहीं है, चुटकी भर भी लोगी तो भी मेरा क्या होता है, काम चल जाता है। चौथी बात क्या होती है, ये कभी भी रिएक्टेंट के ईपी, मतलब एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये और थर्मोडायनेमिक बिहेवियर ऑफ द रिएक्शन, ये कभी भी चेंज नहीं होते। मतलब कैटलिस्ट डालने पर ऐसा नहीं कि ईआर चेंज हो जाएगा, ईपी चेंज हो जाएगा, सिर्फ ईटी चेंज होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बाकी कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी। आई बात समझ, ईआर और ईपी के मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एवरेज एनर्जी लेवल सेम रहता है, थर्मोडायनेमिक बिहेवियर में कोई चेंज आता नहीं है, कभी इनिशिएट करता नहीं है, कभी भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन ये कंज्यूम भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ बातें थी कैटलिस्ट के बारे में, जो मैं बोल रहा हूँ बस वो आपको लिख दूंगा, ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो पहले डेफिनेशन लिख देता हूं कैटलिस्ट की, अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट, इज नोन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा इनको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। कैटलिस्ट एंड द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग रेट ऑफ रिएक्शन, एंड फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट, बाय यूज ऑफ catalyst
इज नोन एज कैटालिसिस, इज नोन एज कैटालिसिस। ठीक है, क्या होता है अब कैटलिस्ट भी ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हर कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, कुछ कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को घटा भी देते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं या प्रोमोटर बोलते हैं, और जो 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 कैटलिस्ट रेट ऑफ द रिएक्शन को घटाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट, या उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं पॉइजन, पॉइजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिसिस, पॉजिटिव कैटलिसिस इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वाइल नेगेटिव, वाइल नेगेटिव डिक्रीजेस, वाइल नेगेटिव डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल में जैसे सपोज करो KClO3, ठीक है, बेहतरीन एग्जांपल है, उसको सिंपल आप हीट करोगे तो KCl प्लस O2 गैस मिलता है, क्या मिलता है, KCl प्लस O2 गैस। लेकिन इसी रिएक्शन को आप क्या कर रहे हो, हेड हीट कर रहे हो बट MnO2 के प्रेजेंस में, MnO2 आपके लिए क्या हो गया, कैटलिस्ट हो गया, तो KCl प्लस O2, तो दोनों में फर्क क्या होगा, यहाँ पे जो मुझे ऑक्सीजन गैस मिलता है वो ब्लू कलर का मिलता है, किस कलर का मिलता है मुझे, ब्लू कलर का मिलता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल और दे देता हूँ मैं आपको, लाइट चलाओ थोड़ा, लाइट देखो, लाइट चलाओ, ठीक है, ठीक है, 2KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 टेंस टू गिव आपको क्या देता है, ठीक है, K2SO4 प्लस MnSO4, ठीक है, प्लस CO2, ठीक है, प्लस H2। ये रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हमने ऑलरेडी सीखा है रिएक्शन को बैलेंस करना। ओवरऑल मीनिंग क्या होता है, इनिशियली ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जैसे ही MnSO4 बन जाता है कुछ सेकंड के बाद, तो ये एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट, किसके जैसे, अपने आप ही कैटलिस्ट के जैसे काम करने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा जरूरी कि हम अलग से सब्सटेंस यूज करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी क्या होता है कोई प्रोडक्ट भी ऐसा कैटलिस्ट यूज करता है, बट वो बहुत एक्सेप्शन रिएक्शन होते हैं, उसी में आपको बताया था कोई ये यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो इस वजह से रिएक्शन ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ मैं, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट नेवर कंज्यूम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट रिएक्शन, कैटलिस्ट नेवर इनिशिएट रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं करते, ना ही कंज्यूम होंगे। ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, ये बताए सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, बस मैं लिख दे रहा हूँ, कैटलिस्ट does not change, catalyst does not change average energy level, average energy level of reactant and product, ठीक है, next आ जाता है हमारा, catalyst also does not change thermodynamic, catalyst also does not change thermodynamic behavior, thermodynamic behavior of chemical reaction, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट,
एटलीस्ट हमें कितना चाहिए, सिर्फ स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन को बाय डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ताकि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, ठीक है। द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स provides an alternative path to the reaction in which threshold energy will change, in which threshold energy will change and due to which rate of reaction changes। इस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन में भी क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दो ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एनर्जी का ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो ये रिएक्शन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। सपोज करो पहले ET जो था ये मेरा यहाँ पे था, एवरेज एनर्जी मैंने क्या बोला, इसमें वो कोई चेंज नहीं करे, रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता, वो क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। तो दिस इज ET डैश। तो अब क्या हो जाएगा, देखो इतने सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे, मतलब अभी भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और पहले कितना था, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतना था, लेकिन अब एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, सिर्फ इतना ईए डैश। तो आप मैं बोल सकता हूँ ईए इज ग्रेटर देन ईए डैश और ET डैश इज स्मॉलर देन ET। भाई बात समझ में, तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होगे एक अल्टरनेटिव पाथ दे रहा है, क्लियर हुआ ये चीज़ आपको, आई होप से ये सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। फिर से ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊं इसको, तो ये एक और ग्राफ बनता है, RNS का जो ग्राफ हमने पढ़ा था उसी को हम अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ग्राफ क्या था, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वही यहाँ पे एनर्जी कोऑर्डिनेट या पोटेंशियल एनर्जी या यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब समझो बात को, यहाँ पे दिस इज द ग्राफ, ठीक है। दिस इज द ग्राफ विदाउट कैटलिस्ट, क्या होगा, विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। अब समझना, अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरी इतनी है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी बट विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड मेरा इतना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो रेट एट थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर रहा है, मेरा घटा रहा है। तो मैंने क्या बोला, ना एक्टिवेशन, ना रिएक्टेंट के एनर्जी में चेंज आता, ना प्रोडक्ट के एनर्जी में चेंज आता, बस ये क्या करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा दे रहा है। तो इनिशियली मेरा क्या था, ET था, और विथ पॉजिटिव कैटलिस्ट ये कितना हुआ, ET डैश हुआ। दिस इज द अल्टरनेटिव पाथ फॉर रिएक्शन using positive catalyst. Positive catalyst क्या करेगा, rate of reaction बढ़ाता है। तो rate of reaction कैसे बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, ये threshold energy को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अब इसमें देखो, अब यहाँ पे activation energy भी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, अब इतना सही आपको देना है, ठीक है। और अगर मैं मान लूँ मैंने एक ऐसा line use, एक ऐसा catalyst use किया जो मेरा क्या कर रहा है, threshold energy को बढ़ा रहा है, तो दिस इज द नेगेटिव कैटलिस्ट वाला रिएक्शन। ये क्या कर देगा, रिएक्शन को, अब आप ये देखो ना, जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन उतना मेरा क्या रहता है, स्लो रहता है, और जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा तुरंत कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं आप बोल सकता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या जो होगा,
यहाँ पे ईए डैश सबसे कम होगा और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, डबल डैश से कर रहा हूँ, तो डबल डैश की सबसे ज्यादा वैल्यू, उसके बाद किसकी वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, और सबसे कम वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी विद पॉजिटिव कैटलिस्ट। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करूं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी देखो यहां पे क्या होगा, ईटी डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ईटी डबल डैश की वैल्यू सबसे ज्यादा, इसका मतलब ईटी की वैल्यू उससे कम होगा, ईटी डैश की वैल्यू सबसे कम होगी। तो आप ये देख सकते हो कि जो ये वाला जो मेरा रिएक्शन होगा, ये वाला जिसमें मैंने ऐसे लाइन दिया, तो ये सबसे पहले होगा, क्यों, क्योंकि इसका पाथ मुझे कम ही ट्रैवल करना है। एक्टिवेशन एनर्जी जितने याद रखना बेटा, जितना कम एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्ट ऑफ द रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब मैं ऐसा बोलूं भाई, कोई एक ये पहाड़ चढ़ना, अरे ये पहाड़ चढ़ना और एक वो पहाड़, ऑब्वियस इसको चढ़ने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसके कंपेरिजन इसको कम लगेगा और इसको सबसे कम लगेगा। तो कैटलिस्ट वही काम करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेगा तो एक नया पाथ वो बना देता है बाय डिक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इस वजह से क्या होता है, मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का, आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये ग्राफ से भी आपको समझ में आया, वही मैं बोला था, यही इसका मतलब है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ इन द रिएक्शन इन विद थ्रेशोल्ड एनर्जी विल चेंज, चेंज मैंने बोला, अल्टरनेटिव पाथ है, देखो ये भी एक अल्टरनेटिव पाथ है, ये भी अल्टरनेटिव पाथ है, दोनों ही अल्टरनेटिव पाथ है, तो डिपेंड ऑन द कैटलिस्ट कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को घटा के रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी घटेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी घट जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव कैटलिस्ट है तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को बढ़ा के एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। आपने देखा होगा कि जनरली जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शन में उनको वो बहुत अनकंट्रोलेबल होता है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उनको स्लो करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक पॉइजन डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं उसमें, प्लैटिनम वगैरह का, प्लैटिनम इट एक्ट एज अ पॉइजन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, तो क्या करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को स्लो कर देता है, और उससे मुझे क्या करना पड़ता है, हम सफिशिएंट एनर्जी वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगे, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आई थिंक आज सेकंड लास्ट लेक्चर रखते हैं, कल आपका आई थिंक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेट इट बी। ठीक है, आज इतना पढ़िए, आज वेनसडे है तो कल थर्सडे, फ्राइडे को ऑलमोस्ट आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप ये चीज़ें सही होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।